इंसाफ करो, इंसाफ करो, सीनियर टीचर इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, सीनियर टीचर इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, सीनियर टीचर इंसाफ करो, एमजी साहब इंसाफ करो, सीनियर टीचर इंसाफ करो, करो इंसाफ करो, सीनियर टीचर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, सीनियर टीचर के साथ इंसाफ करो, एमजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, सीनियर टीचर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, सीनियर टीचर के साथ इंसाफ करो, हमारी जॉब पॉलिसी मुकम्मल करो, मुकम्मल करो, मुकम्मल करो, हमारी जॉब पॉलिसी मुकम्मल करो, इंसाफ करो, सीनियर टीचर के साथ इंसाफ करो। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी चैनल का। तो उसके बाद हम अनंतनाग में सीजनल टीचर फोरम के प्रेसिडेंट और बाकी सब मेंबर यहाँ जमा हुए हैं। तो आज हमारी ये मांग है एलजी साहब से, जॉब पॉलिसी लेकर हम यहाँ आए हैं। तो हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें 12 महीना जॉब पॉलिसी में लाया गया जाए। हम 6 महीने के सीजनल टीचर हैं और उसके बाद हमें लेबर काम करना पड़ता है। तो हम गुजर बकरवाल लोग जो मूवमेंट करते हैं पहाड़ों की तरह, जम्मू से पहाड़ों की तरह जो मूवमेंट करते हैं गुजर बकरवाल लोग, उनके बच्चों को हम तालीम देते हैं। तो हम ये एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो ये हम ये सीजनल टीचर तकरीबन 2200-2500 सीजनल टीचर हैं J&K में, तो हमें परमानेंट किया जाए, हमें जॉब पॉलिसी में लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब हमें, हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है, हमें जॉब पॉलिसी के लिए, हम सीजनल टीचर्स हैं, सीजनल टीचर जम्मू एंड कश्मीर UT के सीजनल टीचर हैं। हम 2006 से यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं, कोई 2010 से है, कोई 2006 से है। तो हमें एक मुद्दा है कि हमें पॉलिसी में लाना, मतलब पॉलिसी, जॉब पॉलिसी चाहिए। जबकि LG मनोज सिन्हा साहब ने हमें कुछ मतलब हमारी सैलरी वेजेस बढ़ाए हैं 6,000 से लेकर 10,000। उसने पहले हमें 4,000 थे, फिर उसने 10,000 किए। और हम सबसे मतलब शुक्रगुजार हैं जाहिद इकबाल गीगी साहब के, जिन्होंने हमारी बात स्टेट मतलब UT लेवल पे पार्लियामेंट में भी उठाई है। 2-3 बार पार्लियामेंट में भी ये मसला उठाया कि हमें इनको जॉब पॉलिसी में लाया जाए, क्योंकि सिर्फ हम 6 महीने के लिए मतलब काम करते हैं उस्ताद, फिर हमें डिसंगेज किया जाता है बाद में 6 महीने के लिए। इसलिए हम LG साहब, मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, अच्छा जो हमारे तालीमी अदारे के बड़े हैं, जैसे कि मतलब एजुकेशनल डायरेक्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज़ और प्लीज़ मेहरबानी करके हम जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी माने जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है अभी, हमें कोई मतलब किसी पॉलिसी के तहत हमें 12 महीने के लिए मुकम्मल किया जाए।